जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो है इस वीडियो में हम जो है आप लोगों को डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है उससे निश्चित रूप से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को जो है कि हम करेंगे, और आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला था नीट 2020 का, तो हो सकता है कि वो पोस्टपोन हो, डेट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा ही। तो चलिए हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, तभी जाके जो है कि हमारी तैयारी तो अच्छी होनी ही चाहिए, तभी जाके हम जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ डेंटिशन फाउंड इन ह्यूमन बींग इज। पहला ऑप्शन है पॉलीफायोडोंट एंथीकोडोंट, दूसरा है डाइफायोडोंट एंथीकोडोंट, तीसरा है डाइफायोडोंट एंड एक्रोडोंट, चौथा है डाइफायोडोंट एंड होमोडोंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना ऑप्शन टू ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बींग का जो टीथ होता है वो डाइफायोडोंट होता है। डाइफायोडोंट मतलब कि जो कि दो बार ग्रो होते हैं पूरी लाइफ में। पहली बार जो टीथ ग्रो होते हैं वो वन ईयर के जब बच्चे होते हैं तब से वो ग्रो होने लगते हैं, और ग्रो हो जाते हैं टू ईयर के अंदर सारे टीथ, और जो है सिक्स ईयर्स लेके एट ईयर के बीच में ये जो है टीथ टूट जाते हैं और उनकी जगह पे दूसरे नए टीथ आते हैं। तो जो शुरू में जो टीथ ग्रो होते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, और बाद में जो ग्रो होते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। इसलिए डाइफायोडोंट हो गया। थिकोडोंट का मतलब होता है कि जो जबड़ों में फिक्स रहते हैं उसको थिकोडोंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है? तो यह जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला है डेंटाइन, दूसरा है एनामल, तीसरा है टीथ और चौथा है बोन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा, इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम वुड यू सजेस्ट फॉर ए थारोली मिक्स्ड फूड विथ गैस्ट्रिक जूसेस बाय द चर्निंग मोमेंट ऑफ मस्कुलर स्टमक वाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है बोलस, दूसरा है काइम, तीसरा है आइदर बोलस ऑफ काइम, चौथा है नन ऑफ द एवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा, काइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, ये है द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर इज रेगुलेटेड बाय। तो जो हमारा एसोफेगस होता है वो ओपन होता है स्टमक में, तो वहाँ पे जो है एक स्फिंक्चर होता है, उस स्फिंक्चर का नाम क्या होता है? पहला है पाइलोरिक स्फिंक्चर, दूसरा है स्फिंक्चर ऑफ ओडाई, तीसरा है ओलियोसिकल स्फिंक्चर और चौथा है गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्चर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा, गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्चर। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आउट ऑफ फोर लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच वन फॉर्म्स बिली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें चार लेयर पाए जाते हैं, तो कौन सी लेयर जो है बिली बनाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है सीरोसा, दूसरा है म्यूकोसा, तीसरा है सब म्यूकोसा और चौथा है मस्कुलरिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे म्यूकोसा जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज विथ रिफरेंस टू ए नॉर्मल पर्सन। ऑप्शन वन है ह्यूमन सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक, दूसरा है इन ह्यूमन बींग फोर पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, तीसरा है द क्वांटिटी ऑफ सलाइवा इन एडल्ट मैन एंड मे बी वन
to 1.5 liter per डे. तो यहाँ पे जो है इन ह्यूमन बींग 4 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा. तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है इनकरेक्ट है. बाकी सारे स्टेटमेंट जो है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में वो सारे करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सेल दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच प्रोवाइड एसिडिक मीडियम इन स्टमक फॉर डाइजेशन. तो फ्रेंड्स पहला है चीफ सेल, दूसरा है गॉबलेट सेल, तीसरा ऑप्शन है पेराइटल सेल, चौथा है इंडोक्राइन सेल्स. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा जो पेराइटल सेल्स होती है, या फिर इसको हम पेराइटल सेल्स को ही ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं. तो ऑक्जेंटिक सेल जो होती है वो एक सेल प्रोड्यूस करती है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ लीवर. पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, दूसरा है कन्वर्ट एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, तीसरा है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज एकॉम्पेंड विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन सिक्रेटेड बाय हेपेटिक लोब्स, चौथा है नन ऑफ द एबव. फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा. कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज एकॉम्पेंड विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन सिक्रेटेड बाय हेपेटिक लोब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. नीचे जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उसमें से ये चूज करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. फ्रेनुलम इज द फोल्ड बाय विच टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ माउथ आर ओरल कैविटी, दूसरा है फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, तीसरा है कोलन हैज 3 पार्ट्स एन असेंडिंग ए ट्रांसवर्स एंड ए डिसेंडिंग पार्ट एंड द लेटर ओपन इनटू द रेक्टम. तो ये जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. कोलन हैज 3 पार्ट असेंडिंग ए ट्रांसवर्स एंड ए डिसेंडिंग पार्ट एंड द लेटर ओपन इनटू द रेक्टम. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट है. ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज इनएक्टिवेट्स सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवरी एमाइलेज को जो है कौन सा जो है कि इनएक्टिवेट करता है. तो फ्रेंड्स सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो पीएच 6.8 पे काम करता है, मतलब कि लगभग क्षारीय होता है स्लाइटली बेसिक. लेकिन जो एचसीएल है, एचसीएल जब स्टमक में सिक्रीट होता है तो वहाँ पे स्टमक में जो पीएच होता है वो 2.1 या 2 के आसपास होता है. और यह एचसीएल ही जो है उसके बेसिक जो पीएच होता है उसको एसिडिक पीएच में कन्वर्ट कर देता है. और इसलिए जो है कि एमाइलेज का जो है इनएक्टिवेट हो जाता है. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है मेरे पास, दूसरा रेनिन, तीसरा एसिल और चौथा पेप्सिन. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम सुक्रेज हाइड्रोलाइजेज सुक्रोज इनटू. एंजाइम जो सुक्रेज होता है वो हाइड्रोलाइज करता है
सुक्रोज को इनटू किसमें किसमें, तो जितने भी ये जो है डाइपेप्टाइड है, मतलब कि दो मोनो डाइसेक्राइड होता है, पेप्टाइड नहीं, पेप्टाइड तो प्रोटीन्स में होते हैं, तो डाइसेक्राइड होता है क्योंकि दो मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर जो बनते हैं उसको डाइसेक्राइड, या फिर अगर तीन मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बनते हैं तो उसको ट्राइसेक्राइड करते हैं कहते हैं। मोनोसेक्राइड वो होते हैं जिनका कि और उससे कम के कार्बन नंबर्स में उसको तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर तोड़ के और ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स नहीं बन सकते, नहीं प्राप्त हो सकते, तो उनको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है पहला ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके लैक्टोज बनाते हैं। दूसरा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलके जो है ये जो है सुक्रोज बनाते हैं। और तीसरा है टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और चौथा है टू मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। तो ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन टू जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सलाइवरी एमाइलेज, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सलाइवरी एमाइलेज सो मैक्सिमम डाइजेशन एक्शन एट पीएच। तो जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, मतलब जो हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, तो उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, ऑप्शन वन है 3.6, ऑप्शन टू है 6.8, ऑप्शन थर्ड है 7.5, ऑप्शन फोर है 8.7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन टू जो है ये करेक्ट हो जाएगा 6.8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, इसमें से कौन सा जो मैच है वो करेक्ट है। पहला है रेनिन जो कि एक प्रोटीन है, दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रेनिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, ये भी गलत है, ये मैच भी गलत है, ये भी गलत है, तीसरा है इन्वर्टेज, ये जो है सुक्रोज पे वर्क करता है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकस इंटेरिकस इज सिक्रीटेड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का है सकस इंटेरिकस इज सिक्रीटेड बाय, सकस इंटेरिकस जो होता है वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है। ऑप्शन वन है गॉबलेट सेल्स, दूसरा है क्रिप्ट ऑफ लुबर कुहन, तीसरा है आइसलेट्स ऑफ लंगर हैंस, और चौथा है पानेथ सेल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऑप्शन टू ये करेक्ट हो जाएगा, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन बी डाइजेस्टेड बाय पैंक्रियाटिक जूस, कौन सा पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा जो है कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल डाइजेस्ट किए जाते हैं। पहला है ऑप्शन वन है फैट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन टू है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ऑप्शन थर्ड है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ऑप्शन फोर है ऑल ऑफ द एबव। तो जो है कि पैंक्रियाटिक जूस में सारे एंजाइम्स होते हैं, इसलिए जो है सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्च इज डाइजेस्टेड, स्टार्च इज डाइजेस्टेड, इन विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्च इज डाइजेस्टेड। ऑप्शन वन है ड्यूओडेनम, ऑप्शन टू है जेजुनम, ऑप्शन थर्ड है इलियम, ऑप्शन फोर है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, ड्यूओडेनम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैच द एंटिटीज ऑफ द कॉलम वन विथ द कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे जो है ये जो है हिपेटिक लोब्यूल है,
हिपेटिक लोब्यूल जो होता है वह ग्लीसन कैप्सूल में होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो होते हैं ये सब म्यूकोसल ग्लैंड होते हैं। तीसरा जो है क्रिप्ट ऑफ लिवर को हम ये बेस ऑफ विलाई पे होते हैं। नेक्स्ट है स्फिंक्चर ऑफ हुडाई, स्फिंक्टर ऑफ हुडाई जो है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट में होता है। सिस्टिक डक्ट जो होता है वो गॉल ब्लैडर, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो पेराइटल एंड म्यूकोस सेल्स का बना होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन वन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर फूड प्रोसेसिंग इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में फूड प्रोसेसिंग के लिए करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन वन है इंजेशन ऑफ फूड, और उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन एंड इजेशन। दूसरा है इंजेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। तीसरा है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन एंड एसिमिलेशन। नेक्स्ट है डाइजेशन, इंजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन वन ही करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले फूड को लेना इंजेशन होता है, उसके बाद फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद यह जो है एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद एसिमिलेट होता है, बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड या जो फूड होता है उसका इजेशन होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन वन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रीटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन आर सिक्रीटेड बाय। सिक्रीटिन भी जो है एक हार्मोन है और कोलिसिस्टोकाइनिन भी एक हार्मोन है, तो यह जो है किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं? पहला जो है ब्रूनर्स ग्लैंड फाउंड इन ड्यूओडेनम, दूसरा है पेनेट सेल्स प्रेजेंट इन ड्यूओडेनम, तीसरा है गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द एपिथेलियम ऑफ द स्टमक, नेक्स्ट है ऑग्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट ऑन द साइड वॉल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऑप्शन वन ये करेक्ट हो जाएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड फाउंड इन ड्यूओडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन सिक्रीशन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रीटेड बाय ड्यूओडेनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ। ऑप्शन वन है पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, ऑप्शन टू है लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, थर्ड है गॉल ब्लैडर एंड सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, चौथा है सलाइवरी ग्लैंड एंड गॉल ब्लैडर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऑप्शन वन ये करेक्ट हो जाएगा, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर।